हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के सीएलपी लीडर विधायक दल के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एवं कांग्रेस की नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व में मंत्री रही कुमारी शैलजा का करनाल हाईवे पर नई अनाज मंडी के गेट पर जोरदार स्वागत किया गया। यहां हम आपको बता दें कि कांग्रेस द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा को अशोक तंवर को हटाकर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है एवं कांग्रेसी विधायक दल की नेता किरण चौधरी के स्थान पर पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधायक दल का नेता एवं कांग्रेसी चुनाव समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, जिनका कांग्रेस के नेता एवं कार्यकर्ता झंगा झंगा पर स्वागत कर रहे हैं। उसी कड़ी में दिल्ली से चंडीगढ़ जाते समय करनाल के जीटी रोड स्थित नई अनाज मंडी पर पहुंचने पर दोनों नेताओं का जोरदार स्वागत हुआ। फूल मालाओं के साथ लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां पर सिर्फ 2 मिनट के लिए चलते चलते गाड़ी में रुके और हाथ हिलाकर कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया तथा पार्टी और संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया गया। इस मौके पर करनाल कांग्रेस के स्थानीय नेता नदारद रहे। में भी NSUI ने भी हाईवे पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा व कुमारी शैलजा का जोरदार स्वागत किया और जिंदाबाद के नारे लगाए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा व कुमारी शैलजा के काफिले का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर NSUI के जिला अध्यक्ष अमन पानू व NSUI के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। JBD Banquets lie hai Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।